हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। ये जुड़ा हुआ है मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। इसके ऊपर हम लोग एक थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। ये क्यों न्यूज में है आजकल, क्योंकि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में ये कहा है कि केंद्र सरकार अभी डिसाइड करने वाली है एक कमिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर, जहां पे उन्होंने कुछ बातें कही हुई है मैरिजेबल एज फॉर वुमेन के बारे में। तो चलिए इस चीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसका थोड़ा सा इतिहास जानते हैं और मैरिजेबल एज के बारे में थोड़ा सा डिबेट करेंगे और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी देखेंगे एंड में। उससे पहले अगर आपको मुझे फॉलो करना है तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल राहुल साई 222। प्लीज़ याद रखिए, बहुत से दूसरे भी चैनल बन चुके हैं, अन्य भी चैनल बन चुके हैं यूजिंग माई फोटो। फॉलो ओनली दिस विच हैज़ अबाउट 4,000 सब्सक्राइबर, मोर देन 4,000 सब्सक्राइबर्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है 5% डिस्काउंट ऑन ऑल स्मार्ट कोर्सेस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार उस कमिटी के रिकमेंडेशन के ऊपर डिस्कशन करेगा जिन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हुए हैं वुमेन रिलेटेड, स्पेशली उनकी शादी की एज को लेकर। अभी जो फिलहाल पोजीशन है वो ये है कि भारत के बहुत सारे जो प्रावधान है, लॉस है, वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि पुरुषों के लिए शादी की मिनिमम एज है 21 साल और महिलाओं के लिए वही है 18 साल। हमको स्पेसिफिकली ये जानना है कि एज ऑफ मैरिज और एज ऑफ मेजॉरिटी में कुछ अंतर है। ये याद रखिए कि एज ऑफ मैरिज पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए अलग है, लेकिन एज ऑफ मेजॉरिटी एक्ट ऑफ इंडिया ये कहता है कि दोनों की एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स है। एज ऑफ मेजॉरिटी मतलब 18 साल के बाद आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई वसीयत है, कोई विल है, जहां पे किसी बच्चे के नाम पे पैसा जा रहा है, तो देयर इज ऑलवेज अ गार्डियन विद देम हु विल हैंडल दैट मनी टिल 18 ईयर्स एज। तो 18 साल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए एज ऑफ मेजॉरिटी है, लेकिन एज ऑफ मैरिज नहीं है, ये याद रखना है। तो पहले बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जिस कमेटी के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं उस कमेटी के बारे में। 2020 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने भी अपने बजट स्पीच में ये कहा था कि वो एक कमेटी की गठन करेंगे जहां पे वो लोग देखेंगे कि लीगल एज ऑफ मैरिज महिलाओं के लिए क्या हम कम कर सकते हैं। तो उसी के तहत उन्होंने एक हाई लेवल कमेटी की गठन की थी। ये हाई लेवल कमेटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप की है, स्पेसिफिकली अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इस कमेटी के चेयरमैन हैं जया जेटली, हु हैज़ बीन द फॉर्मर पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ समता पार्टी। इसके अलावा एक रिनोन मेंबर भी यहाँ पे नीति आयोग के एक मेंबर हैं, वीके पॉल, वो भी इस कमेटी के भाग रहे हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से भी। इनके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हैं इस कमेटी में। इस कमेटी का बेसिक काम ये था या बेसिक मैंडेट ये था कि वो एग्जामिन करे अप्रोप्रिएट एज ऑफ मदरहुड को। प्लीज याद रखिए, उनका काम सिर्फ ये नहीं था कि वो मैरिजेबल एज के ऊपर बात करें, उनका काम मेन ये था कि शादी की उम्र और उससे हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करें, एज ऑफ मदरहुड कितनी होनी चाहिए एन अप्रोप्रिएट एज, उसके अलावा हाउ टू लोअर द मैटरनल मोर्टैलिटी रेट एमएमआर का बेसिक मतलब ये है कि 1,00,000 बर्थ में कितनी महिलाओं का डेथ हो रहा है, मीनिंग हाउ मेनी वुमेन आर सफरिंग इन दी 1,00,000 बर्थ। अभी फिलहाल इंडिया में इसका नंबर इज समवेयर होवरिंग अराउंड 110। याद रखिए, काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट की है पिछले एक दशक में। इंडिया ने पहले नंबर 130 के आसपास था, अभी इन्होंने कम करके 110 के आसपास लाया है। हमारा टारगेट था 2017 तक का 100 लाने का, जो टारगेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अनुसार हमारा गोल है इस नंबर को कम करके 70 तक लाने का 2030 तक। तो हम उस राह पे अभी चल रहे हैं। इसके अलावा इस कमेटी का ये भी मैंडेट था कि वो कोरिलेट करें एज ऑफ मैरिज और वुमेन और चाइल्ड के हेल्थ का, कि अगर जल्दी शादी हो रही है तो उससे वुमेन के हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, बच्चे के हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। और इसके अलावा फाइनली ये तो है ही, वो लोग रिकमेंडेशन ये भी देने वाले हैं कि एज ऑफ मैरिज महिलाओं के लिए कम करनी चाहिए या नहीं। इस कमेटी का मैंडेट ये था कि जुलाई 31 तक उनको सरकार को ये सारे रिकमेंडेशन देने थे। तो अभी अनुमान ये है कि कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दिए सरकार को, अभी तक रिकमेंडेशन रिलीज नहीं हुए, इट इज़ स्टिल इन डेलिब्रेशन अंडर द गवर्नमेंट। तो चलिए अभी देखते हैं इतिहास
इंडिया का जो मैरिजेबल एज है उस चीज का। देखिए पहले से ही भारत में ये चलता आ रहा है कि चाइल्ड मैरिज दे हैव बीन वेरी वेरी प्रिवेलेंट। पहले तो हमारे पास कोई एज डिफाइंड नहीं थी शादी के लिए इन इंडिया। बहुत ही पुरातन कालों से हम लोगों ने देखा हुआ है कि राजा महाराजा यंग एज में शादी करते हैं फॉर अलायंसेस एटसेट्रा। इट हैज़ कंटिन्यूड इवन टुडे। फॉर द फर्स्ट टाइम 1860 में ब्रिटिश जब लॉस को कोडिफाइड कर रहे थे, उन्होंने इंडियन पिनल कोड के एक सेक्शन में ये लिख दिया कि सेक्शुअल इंटरकोर्स यानी शारीरिक संबंध के लिए एक मिनिमम एज होना चाहिए फॉर गर्ल चाइल्ड। 10 साल से जो नीचे कोई इंसान अगर शारीरिक संबंध रखेगा 10 साल से कम लड़की के साथ, दैट वुड बी अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट वुड बी कंसिडर्ड एज रेप। तो पहली बार 1860 में ये डेवलपमेंट हुई। तो धीरे धीरे ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ कुछ पॉजिटिव लॉस लाते गए। इंडिया में भी आपने देखा होगा काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बहराम जी, मालाबारी एटसेट्रा। इन्होंने काफ़ी सारी कोशिश की हुई है कि लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स को बढ़ाया जाए धीरे धीरे। फाइनली 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया, जिसको एक्ट एक्स भी कहा जाता है 1891 का, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने यह डिसाइड किया कि शारीरिक संबंध सारे लड़कियों के लिए, बेसिकली पुरुष अगर शारीरिक संबंध रखना चाहते हैं लड़कियों के साथ, मैरिड हो अनमैरिड हो कोई भी हो, उसकी मिनिमम एज रहेगी 12 फॉर द गर्ल्स। If anybody has sexual intercourse with a girl below 12 years, it would be considered as rape. और अगर आपको याद होगा कि 1891 में जब ये लॉ ब्रिटिश ने लाया था, बहुत सारे इंडियंस ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उसमें एक प्रोमिनेंट इंसान बाल गंगाधर तिलक भी थे। काफ़ी स्ट्रेंज था, लेकिन इंडियंस का ये मानना था कि ये सब डेवलपमेंट ब्रिटिश को नहीं करना चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम विदन। तो फाइनली इन 1927 एज ऑफ कंसेंट अमेंडमेंट एक्ट में शादी के प्रावधान लाए गए। बेसिकली वहां पे ये लिखा गया कि कोई भी शादी होगी वो इनवैलिड होगी अगर लड़की की उम्र 12 साल से कम हो। तो ये तो हमारा प्री इंडिपेंडेंस का था। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो ब्रिटिश सरकार ने लाया था, उसको कहते हैं सारदा एक्ट 1929 का। इनफैक्ट फॉर वेरी लॉन्ग सारदा एक्ट हैज बीन द लॉ जो मैरिज के लॉस को गवर्न करता है इंडिया में। सारदा एक्ट 1929 में आया, जहां पे मिनिमम एज शादी की डिसाइड की गई 18 साल पुरुषों के लिए और 14 साल महिलाओं के लिए। इस एक्ट का नाम सारदा एक्ट है क्योंकि इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था हरबिलास सारदा, एक पुरुष का नाम है, वो जज और आर्य समाज के मेंबर भी थे, इसीलिए इसको सारदा कहते हैं, नॉट शारदा एक्ट। हमारी स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने और भी बहुत सारे प्रावधान लाए, लॉस लाए शादी को स्पेसिफिकली डिफाइन करने के लिए। स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 का और अगले ही साल हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 का, जहां पे गाइडलाइंस दी गई स्पेसिफिकली हिंदू मैरिज के लिए। तो वहां पे एज ऑफ मैरिज डिसाइड किया गया 18 साल महिलाओं के लिए और 21 साल पुरुषों के लिए। तो अभी भी यही चलता आ रहा है। मुझे ये बताना है यहाँ पे बहुत ज़रूरी लग रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट में ये लॉ से दिस अप्लाइज टू हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिक्स, जैन्स, लेकिन इंडिया में रिलीजन स्पेसिफिक लॉ है जहाँ कि आप जानते हो कि क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल कोड अलग है, सिविल कोड अलग है। तो सिविल लॉस में शादी इनहेरिटेंस के लॉस मुस्लिम्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए अलग है। मुस्लिम्स में अभी भी शादी की एज इज नॉट डिफाइंड। वहाँ पे ये कहा जाता है कि एज सून एज द गर्ल हिट्स प्यूबर्टी यू कैन गेट हर मैरिड। तो इंडिया में 1978 में सारदा एक्ट को अमेंड किया गया। सारदा एक्ट में पहले लिखा हुआ था कि 18 और 14 साल उम्र, उसको भी अमेंड करके 18 और 21 किया गया। लेकिन इन लॉज के बावजूद भी चाइल्ड मैरिजेस काफी प्रिवेलेंट थे इंडिया में, क्योंकि यहां पे पनिशमेंट बहुत ही लैक्स थी, यानी कि बहुत ही कमजोर थी। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं इन सारे लॉज में। एक समय पे ऐसा था कि अगर आप चाइल्ड मैरिज करवाएंगे तो आपको 15 दिन की सजा मिलेगी और ₹1,000 का फाइन लगेगा। तो ये तो आप ही सोचिए किस तरह की पनिशमेंट है चाइल्ड मैरिज कराने के लिए। तो फाइनली 2006 में हम लोगों ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉ लाया, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, जहां पे चाइल्ड मैरिजेस हैव बीन कंप्लीटली बैंड और यू विल गेट अ पनिशमेंट ऑफ 2 years एंड अ फाइन ऑफ 1 lakh और मोर। इसके अलावा यहां पे भी क्लियरली डिफाइन कर दिया गया 18 साल और 21 साल महिलाओं के और पुरुषों के लिए रेस्पेक्टिवली। तो ये है अभी तक का हमारा डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ मैरिजेबल एज। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि जब हम लोग यहां पे बात करते हैं जेंडर न्यूट्रलिटी की, जहां पे हम कहते हैं कि पुरुषों में और महिलाओं में समानता होनी चाहिए, तो यहां पे अभी फिलहाल दो ऑप्शन आते हैं अगर हमको जेंडर न्यूट्रल बनाना है।
या तो आप जो पुरुषों की एज है शादी की वो 21 से 18 कर दें, या फिर आप महिलाओं की जो उम्र है उसको 18 से 21 करें, तब ये बन जाएगा जेंडर न्यूट्रल। देखिए जेंडर न्यूट्रल और जेंडर इक्वालिटी में अंतर है। जेंडर न्यूट्रलिटी मतलब समानता, जेंडर इक्वालिटी मतलब आप चाहते हैं कि महिलाएं और पुरुष एक ही लेवल पे आए, उसके लिए रिजर्वेशन भी दिया जा सकता है महिलाओं को अंडर जेंडर इक्वालिटी बट नॉट अंडर जेंडर न्यूट्रलिटी। तो चलिए पहले इसमें बात करते हैं कि ये जो एज ऑफ मैन और वुमेन है ये डिफरेंट क्यों है, क्या इसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग है। सबसे पहले तो ये है कि इसका कोई रीजनिंग नहीं है, ना ही साइंटिफिक या फिर एनी अदर रिपोर्टेड डेटा। इंडिया में ये जो कस्टम्स है ये दे हैव बीन कोडिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। जैसे हमारे पास पुरातन कालों से चलता आ रहा है, उसी को हम लोगों ने फॉलो किया है आगे भी, यहाँ पे इसीलिए डिफरेंस ऑफ एज रखा हुआ है। लेकिन अगर आप देखो कि रीसेंट टाइम में ये डिबेट काफ़ी छिड़ चुका है कि जेंडर न्यूट्रलिटी लाई जाए, तो भारत में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये पहले ही कह दिया है कि हमको जेंडर न्यूट्रलिटी लानी चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अभी फिलहाल महिलाओं की उम्र शादी के लिए कम है, पुरुषों की ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है, इससे एक स्टीरियोटाइप बन जाता है सोसाइटी में। स्टीरियोटाइप मतलब हमारी सोच ही ऐसी बन जाती है कि हमको महिलाएँ यंग एज में शादी करनी चाहिए और पुरुष चाहिए तो लेट एज में शादी कर सकते हैं। तो इससे हमारा एक थिंकिंग ये बन जाता है कि हमें शादी करनी है यंग महिलाओं से। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ बहुत से पुरुष जो ये वीडियो देख रहे हैं, सबका यही बिलीफ होगा कि आई हैव टू मैरी अ यंगर गर्ल, वाई नॉट अ गर्ल ऑफ सेम एज, वाई नॉट अ गर्ल एल्डर देन यू। तो ये स्टीरियोटाइप ऑलरेडी बन चुका है। तो लॉ कमीशन ने भी इसको यही कहा था। इसके अलावा लॉ कमीशन ने एक रिकमेंडेशन भी की थी, उन्होंने कहा था कि मिनिमम एज दोनों के लिए समान कर दी जाए, और उन्होंने इंटरेस्टिंगली ये कहा था कि दोनों को भी 18 पे सेट कीजिए, ये नहीं करना है कि उसको बढ़ाना है, उन्होंने कहा कम कीजिए। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रीटीज है, इंटरनेशनल ट्रीटी लाइक कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये क्लियरली कहता है कि वो सारे लॉ आप अबॉलिश कर दिए जो पुरुषों और महिलाओं में डिफरेंस या डिस्टिंग्विश करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि ये लॉजिकल भी क्यों बनता है जेंडर न्यूट्रलिटी लाने का, क्या हम लोग महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 करें, इसके कुछ मेडिकल रीजंस भी है। हम लोग दो पहलू देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे हेल्थ और अदर रिलेटेड इश्यूज, और दूसरे पहलू में हम लोग लीगल इशू भी देखेंगे। तो पहले हेल्थ इशू में, तो अगर जल्दी शादी हो जाए महिलाओं की, अनवांटेड प्रेगनेंसीज का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो समझ लीजिए कि 18-19 में अगर प्रेगनेंसी हो गई तो उसी के साथ प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसी की वजह से हमारा मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में। अगर आप यूनिसेफ की रिपोर्ट देखें इससे रिलेटेड, यूनिसेफ एस्टिमेट करता है कि इंडिया में कम से कम 1.5 मिलियन लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 से कम उम्र से पहले हो जाती है, और इंडिया में अगर देखा जाए डेथ्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी हैव बीन वेरी वेरी हाई। एस्टिमेट यही कि 15 से 19 साल के जो एज ग्रुप में लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, प्रेगनेंसी हो चुकी है, वहां पे काफी ज्यादा रिस्क है। 2000 में कम से कम 100,000 लड़कियों की डेथ हो गई थी प्रेगनेंसी के दौरान, लेकिन ये नंबर कम हो चुका है 2017 में भी। अभी भी इंडिया में कम से कम 35,000 लड़कियों की मृत्यु होती है प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज, स्पेशली इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 19। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज तो काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ ही साथ यंग एज देर आर चांसेस ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक HIV, तो रिस्क तो ये बना हुआ ही रहता है। इसके अलावा अगर यंग एज में लड़की की शादी कर दी जाए तो ये भी एक चांस होता है कि वो अपनी एजुकेशन जो कंप्लीट करना चाहती है, एजुकेशन से उनको या फिर स्कूल से उनको हटा दिया जाता है और शादी कर दी जाती है, तो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी वो खो देते हैं। इसके अलावा भी और भी अदर बेनिफिट्स होते हैं, एजुकेशन होगा तो सेक्सुअल एजुकेशन होगी, आपको क्लैरिटी होगी कि प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क क्या है, तो इन सब चीज़ों से उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। उनको एजुकेशन से ये भी पता चलेगा कि वो अपनी भी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं और बच्चे की भी हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो ये तो एक पहलू हो गया जहाँ पे हम लोग हेल्थ और अदर रिलेटेड इशू बात कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक लीगल इशू भी है। ऑलरेडी 2017 से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई है इंडिया में, दिल्ली हाईकोर्ट के साथ ये PIL फाइल की है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अश्विनी कुमार उपाध्याय ने, इनको PIL मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। पिछले 5 सालों में इन्होंने 50 PIL फाइल की है बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। तो इनकी जो PIL फाइल है दिल्ली हाईकोर्ट में, वो आर्ग्यू करते हैं कि ये जो उम्र अलग अलग है 18 साल और 21 साल, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 के खिलाफ जाते हैं। अनुच्छेद 14 में ये कहा गया कि राइट टू इक्वालिटी है, तो महिला और पुरुष इक्वल होने चाहिए।
आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी है, तो अगर राइट टू लाइफ और डिग्निटी है तो उसके साथ ही साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। तो वो ये कहते हैं कि इट बेसिकली वायलेट्स दीज प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इस केस के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि उन्होंने ऑलरेडी नोटिसेस इशू कर दिए हैं केंद्र सरकार को भी और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी, जहां पे उन्होंने इनपुट्स पूछे हुए हैं कि इस पीआईएल के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है बताइए। तो ये है डेवलपमेंट अभी तक का। इसके अलावा लेट्स लुक एट सम ऑफ द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। जैसे हम लोगों ने इंडिया में तो देखा कि महिलाओं की शादी की उम्र है 18, पुरुषों की है 21। तो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हमें यह कहता है कि समानता है, जेंडर न्यूट्रलिटी है बहुत सी जगह पर। जैसे कि यूएस में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स हैव 18 ईयर्स ओल्ड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। यूके, फ्रांस, जर्मनी में भी 18 साल मिनिमम है फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। एक एग्जाम्पल, एक आउटलायर है यूरोप में, वो है स्कॉटलैंड, जहां पे मिनिमम एज 16 है फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। इसके अलावा अगर आप देखोगे ब्राजील में मिनिमम एज 18 है, देर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ब्राजील के सिविल कोड में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहां पे अगर महिला और लड़की 18 साल से पहले प्रेग्नेंट हो जाए तो उनको शादी का मौका दिया जाता है। इसके अलावा अगर रेप केसेस में, स्टैटूटरी रेप केसेस में, जहां पे अगर पुरुष चाहते हैं कि उस लड़की से शादी कर ले, तो वहां पे कुछ कुछ प्रावधान अलाउड है ब्राजील में। इसके अलावा एक और आउटलायर वो है जापान। जापान में लड़कियों की शादी की उम्र है 16 और लड़कों की शादी की उम्र है 18 मिनिमम एज। और एक बहुत ही स्ट्रेंज सी बात यह है कि जापान में आप जब तक 20 साल के नहीं होते तब तक आप अपने पेरेंट्स के अप्रूवल के बिना शादी नहीं कर सकते। तो अगर आपको 16 और 18 में शादी भी करनी है, दैट वुड बी विथ पेरेंट्स अप्रूवल। इसके अलावा कुछ और देश है जैसे पाकिस्तान, जहां पे लड़कियों की शादी की उम्र है 16 और पुरुषों के लिए 18। और ईरान है अगेन एन एक्सेप्शन, जहां पे गर्ल्स एज इज 13 और बॉयज एज इज 15। तो ये तो था इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। तो आप इसके ऊपर एक डिस्कशन की जरूरत है। अभी रिपोर्ट कुछ ही दिनों में रिलीज भी हो जाएगी, तो हम लोग देखते हैं कि सरकार इस पर क्या डिसीजन लेगी। इसके ऊपर अपडेट्स आपको हम लोग कंटिन्यूसली लाते रहेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप क्या चाहते हैं, कि महिलाओं की शादी की उम्र 18 से 21 हो या पुरुषों की उम्र 21 से 18 हो। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ डिस्कशन को। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।